एक्सपोर्ट सब कैमरा को एट टाइम ले नहीं सकते ना, एक ही कैमरे का यूएसबी में जो इंट्रो डेटा काफी ज्यादा बनता है। जो कैमरा आपने लेने हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें, T1 कैमरा है। नीचे देखिए टैम और डेट लिखा हुआ है, टैम स्टार्ट और एंड टैम लिखा हुआ है। आज क्या हो, 10 तारीख से हो, 30 तारीख तक शो हो रहा है, केंद्रीय रिकॉर्डिंग इसमें खुली हुई। अभी जो स्टार्ट टाइम है आपने डेट और टाइम दे देना। आपका सवाल जो आप कह रहे हैं कि कौन से टाइम से कौन से टाइम से वो देखिए 19 तारीख मैंने दे दी है, सेम डे का देना है आपने। अब ये नहीं है कि 19 से लेके 20 में देंगे तो फिर वो काफ़ी टाइम देगा, पर वो फिर प्रोसेस चलता रहेगा। सेम डे में दे दो, और यहाँ पर अगर आप दो कैंडे देते हैं अभी दे देंगे। अभी तो मैंने एक दे दी है, नीचे आपने फिर दो तीन दे रहे हैं, तो ये दो घंटे हो गए, तीन घंटे हो गए। यहाँ भी आप टाइमिंग सही सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं है कि ऊपर आपने एक दिया और नीचे आप 12 दे रहे हैं तो फिर आपको एरर दे देगा कि जी टाइम रेंज गलत है। डेट में भी ऐसी तरह आपको डेट का एरर दे देगा कि तो डेट आगे पीछे है। स्टार्ट टाइम में स्टार्ट डेट देनी और एंड बाद भी डेट देनी। नीचे फिर एक्सपोर्ट में आ जाएंगे, इधर से फिर मुख्तलिफ फॉर्मेट सेलेक्ट होते हैं, ज़्यादातर यही चलता है, इससे डायरेक्ट प्ले हो जाता है ना VLC पे। यहाँ पे देखें आपकी वो USB शो हो रही होगी, तो लगाएंगे ना USB तो यहाँ पे शो हो रही है। तो नीचे सिर्फ आपने फोल्डर अगर बनाते हैं, ठीक है, नहीं बनाते तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट पर सर वो कितने से USB लगा हो सर? सबसे पहले आपने तो पहले हमने मेन्यू में यही किया था, मेन चीज इसमें गए कैमरा पे गए, ठीक है। तो ये चीज अभी प्ले में आया, जैसे प्ले में एक्सपोर्ट में क्लिक किया, आपके पास अभी हमारे पास जो के ये चैनल है इसमें 8 चैनल है, तो आपके सामने 8 कैमरे शो हो रहे हैं ना, ठीक है। NVR जो है 8 कैमरों एक NVR में हमारे पास 8 कैमरे आते हैं, तो अगर 16 वाला होगा तो उसमें 16 शो होंगे। तो कैमरों के डेटा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज्यादा डेटा नहीं चाहिए तो ठीक है। अभी उसके बाद आपने टाइम ये स्टार्ट का जो है ये डेट कौन सी डेट है, हम डेट सेलेक्ट कर दिया आपने, तो कौन सी तारीख आज की डेट शो हो रही है ना, आपने मतलब 18 दे दी बैक डेट में आपने दे रहे हैं, उसके बाद टाइमिंग इधर भी आपने 18 सेम डेट देनी है ना सर। फिर टाइमिंग में आपने देना है जी ये कितने घंटे की आपको कर, अभी 2 मैंने दिया स्टार्ट टाइम में, एंड टाइम आप चार कर दें 2 घंटों की इसमें रिकॉर्डिंग, फिर आप 1 घंटा जितनी आपको फिर चाहिए सारा तो आपको चाहिए नहीं होगा, जो ज़रूरी मतलब वो होता है ना, फिर आप अफसर कहेगा कि ये रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास फिर पड़ी रहती है परमानेंट, आप लैपटॉप या फिर सेव कर लेकिन जो इसमें पड़ी रहती है वो डिलीट होती है। वो तो देख लगता है, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद सर पे भी जा सकते हैं, पहले आपको शो हो जाएगा, अभी तो नॉट फाउंड है। ये देखिए इधर बस USB शो हो रही है, फ्री स्पेस भी शो हो रहा है, फ्री स्पेस शो हो रहा है। फिर इधर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे या न्यू फोल्डर लगा के उसको नाम भी दे देंगे जी ये कैमरा है, एप्लीकेशन का कैमरा है। टच मोबाइल वाला सिस्टम है, मार्क करें न्यू फोल्डर या फोल्डर में से आप बनाना हो, पहले एक फाइल में आप सेलेक्ट करके वो प्ले कर देंगे ना, छोटी सी फाइल जिस पे ये चलता होगा, बस वो मजीद वही पहले आप सेलेक्ट करेंगे, जब आप वो एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रोसेस पूरा हो गया, ओके हो जाए। फिर आपने अगली तारीख का करना है तो फिर वो अलग से आपने दोबारा दूसरी कमांड सेम है कि टाइम पे दोनों कमांड नहीं लेते। USB में शेयर करना या डाटा वसूल करना, USB में डाटा वसूल करना।